हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल जी। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हम डिटेल से जानेंगे और यह सिंधु घाटी सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल यानी प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड के अंतर्गत आती है। प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड क्या होता है? तो इस काल में, आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत लेखन कला का तो विकास हुआ था, लेकिन इसे पढ़ा नहीं जा सका है। इस प्रकार की, आप यहाँ नीचे देख रहे हैं, इस प्रकार की लेखन कला तो विकसित हुई थी, लेकिन इसे आज तक पढ़ा नहीं जा रहा है, इसलिए इसे आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा जाता है। तो चलिए अब हम वीडियो शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले हम देखने वाले हैं इसकी शुरुआत किसने की, इसे खोजा किसने सिंधु घाटी सभ्यता को। तो 1826 में चार्ल्स मैसन थे, इन्होंने पहली बार इस पुरानी सभ्यता को खोजा। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सबसे पहली बार इस सभ्यता को किसने खोजा है, तो ध्यान रखना है 1826 में चार्ल्स मैसन ने खोजा था। 1856 में कराची से लाहौर के मध्य रेलवे लाइन का निर्माण हो रहा था, तो इसी के दौरान बर्टन बंधु थे, जो दो भाई थे बर्टन दो भाई थे, और इनके द्वारा इस हड़प्पा स्थल की सूचना सरकार को दी गई। तो ये ध्यान रखना है 1856 में बर्टन बंधुओं ने इसके बारे में सरकार को बताया, क्योंकि वहां पे रेल लाइन बिछाई जा रही थी, तो वहां से कुछ ईंटें निकल रही थी, तो इन लोगों ने इसके बारे में सरकार को इसकी सूचना दी। कनिंघम ने 1853 से लेकर 56 के बीच में इस सभ्यता के बारे में सर्वेक्षण किया है, तो ये कनिंघम ने किया है। इसके बाद क्या हुआ, तो 1861 में जब यहाँ पर कुछ खुदाई के दौरान वस्तुएं निकलने लगी, ईंटें आदि, तो एलेक्जेंडर कनिंघम के निर्देशन में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई। तो ये भी पूछा जाता है एग्जाम में कि भारतीय पुरातत्व विभाग के जो स्थापना की थी वो किसके निर्देशन में की गई थी, तो एलेक्जेंडर कनिंघम के। और 1902 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा जॉन मार्शल को भारतीय पुरातत्व विभाग जो बनाया गया था, 1861 में इसका इन्हें महानिदेशक बनाया गया, और इन्हीं जॉन मार्शल के नेतृत्व में ही 1921 में जब इन्हें क्लॉड कर्जन को 1902 में भारतीय पुरातत्व विभाग का महानिदेशक बनाया गया, तो इन्होंने इसकी खोजबीन शुरू की। और इसी खोजबीन के दौरान 1921 में दयाराम साहनी के नेतृत्व में हड़प्पा का उत्खनन किया गया। तो ये ध्यान रखना है, हड़प्पा का उत्खनन पहला, जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसमें जो पहली खोजी गई, जिसका उत्खनन किया गया था, वो स्थान हड़प्पा था। और इस प्रकार इस सभ्यता का नाम, क्योंकि पहला जो स्थल था वो हड़प्पा था, तो इस आधार पे इस सभ्यता का नाम हड़प्पा स्थल रखा गया। और नेक्स्ट इसके बाद में 1922 में राखल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो का खोजकर्ता बनाया गया, तो इन्होंने मोहनजोदड़ो खोजा 1922 में राखल दास बनर्जी ने। नेक्स्ट अब हम इसमें कुछ काल देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ विभिन्न विद्वानों के द्वारा निर्धारित की गई तिथियां हैं। तो जॉन मॉर्सल, जिन्होंने पहली इसमें तिथि बताई थी, ये 3250 ईसा पूर्व से लेकर 2750 ईसा पूर्व है, आपको मेन इनका ध्यान रखना है। और वैसे जो कहा जाता है वो 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व के बीच में सामान्यता जो एवरेज इसका काल सिंधु घाटी सभ्यता का माना जाता है, आपको ये ध्यान रखना है। और बाकी यहाँ पे अन्य जो भी विद्वान थे उनके द्वारा जो भी तिथियां बताई गई हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद में अब हम देखने वाले हैं काल के बाद में नामकरण कैसे किया गया इसका। तो सिंधु घाटी सभ्यता इसका नामकरण किया गया क्योंकि यह सिंधु नदी के चारों तरफ, ये जो सभ्यता है वो सिंधु नदी के चारों तरफ पाई गई है, और यहाँ पर सरस्वती नदी भी थी, तो इसलिए इसे सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है क्योंकि जो पहला स्थल था खुदाई में वो हड़प्पा था, तो इसलिए इसे हड़प्पा की सभ्यता भी कहते हैं। और इसके साथ में यहाँ पे नगर की व्यवस्था अच्छी थी, तो इसलिए नगरीय सभ्यता भी कहा जाता है। आद्य ऐतिहासिक काल कहा जाता है क्योंकि इस समय में लेखन कला तो विकसित हो गई थी, लेकिन अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा सका है, तो इसलिए इसे आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि इस समय कांस्य युगीन सभ्यता थी, क्योंकि कांस्य का प्रयोग इस समय काफी ज्यादा पैमाने पर हुआ है, तो इसलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाएगा। और यहाँ पे आप इसे शांत प्रिय सभ्यता भी कह सकती हैं क्योंकि यहाँ पर किसी भी प्रकार का जो अशांति थी वो नहीं पाई गई है, यानी युद्ध वगैरह के साक्ष नहीं मिले हैं, तलवार आदि नहीं मिला, तो इस आधार पर कहा जा सकता है कि ये शांतिप्रिय सभ्यता थी। तो आप ये सभी नाम इस सभ्यता से संबंधित हैं, तो इन सभी को आपको ध्यान रखना है। ये निवासी कहाँ से थे, तो यहाँ पर कुछ विद्वानों के मत हैं। अगर हम विदेशी उत्पत्ति मत की बात करें तो सर जॉन मार्शल, गार्डन चाइल्ड, सर मॉर्टियर हीलर,
डी कोसाम्बी आदि पुरातत्वों की मान्यता है कि सिंधु जो सभ्यता थी वो मेसोपोटामिया की सुमेरियन सभ्यता से विकसित हुई। आप यहाँ पे मैप में मेसोपोटामिया देख सकते हैं, और यहाँ पे इसी क्षेत्र से ये माना जा रहा है कि ये लोग भारत की सिंधु सिंधु घाटी में आए और यहाँ पे इस सभ्यता का निर्माण किया। तो ये विदेशी लोगों का मत है, और हमारे देशी जो विद्वान है उनका क्या मत है, तो इनमें राखल दास बनर्जी है ये मानते हैं कि ये द्रविड़ थे यानी भारतीय थे, और यहाँ पर डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप इनके द्वारा माना गया है कि ये आर्य थे। तो आपको ध्यान रखना है कि इनका जो मत है वो कहाँ क्या क्या कहा जाता है, तो इन्हें सुमेरियन सभ्यता कौन कहते हैं, तो यहाँ पे सर जॉन मार्शल है, इन्होंने कहा है कि ये यहाँ से जाके सिंधु घाटी सभ्यता में बसे थे। इसके बाद में यहाँ पे कुछ कालक्रम दिया गया है, ये एनसीईआरटी का है, ये आप देख लीजिए, मैं आगे इसमें आपको बता रही हूँ। इसमें हम एक एक करके सभी स्थलों को डिटेल में जानेंगे, किसने इसकी खोज की, किस नदी के किनारे है और ये किस स्थान पर है। तो यहाँ पर एक एक कर को आपको ध्यान से याद करना है, क्योंकि ये सभी जितने भी पॉइंट इसमें मैंने लिखे हैं ये सभी एग्जाम से संबंधित है, और प्रत्येक एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनते ही रहते हैं। तो पहला स्थल है इसमें हम देखने वाले हैं हड़प्पा, आप यहाँ पर देख सकते हैं हड़प्पा, और इसकी जो खोज थी वो दयाराम साहनी के द्वारा की गई 1921 में, और ये हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है और साहिवाल जिला पाकिस्तान में इस समय स्थित है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हड़प्पा जो सभ्यता है ये रावी नदी के किनारे स्थित है और साहिवाल जिला पाकिस्तान में है। और दूसरा यहाँ पर हम देखने वाले हैं मोहनजोदड़ो, यहाँ पर स्थित है, ये भी पाकिस्तान के लरकाना जिला में पड़ता है, सिंधु नदी के तट पर है, 1922 में राखल दास बनर्जी के द्वारा इसकी खोज की गई थी। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर चन उदड़ो, ये भी पाकिस्तान में स्थित है, सिंधु नदी के तट पर स्थित है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है, सिंधु नदी के तट पर स्थित है, और इसकी जो खोज थी वो गोपाल मजूमदार के द्वारा की गई थी। तो ये तीन जो स्थल हैं, हड़प्पा स्थल, मोहनजोदड़ो और चनहुदड़ो, ये तीनों पाकिस्तान में पड़ते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे कलर भी ब्लू रखा है, तो आप इसे ध्यान रखिएगा। ये तीनों जो स्थल हैं, चनहुदड़ो, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, ये पाकिस्तान में पड़ते हैं। नेक्स्ट अब हम गुजरात के स्थल देखने वाले हैं, तो यहाँ पे पहला है धोलावीरा, आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका क्षेत्र यहाँ पर स्थित है, और ये कच्छ गुजरात की लोनी नदी के तट पर स्थित है, इसकी खोज रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा की गई थी, और ये धोलावीरा गुजरात में पड़ता है। दूसरा स्थल है लोथल, बेहद इंपॉर्टेंट है, रंगनाथ राव ने इसकी खोज की थी, और ये अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। ये नदी का नाम क्या है, तो ये भोगवा नदी के तट पर है, तो ध्यान रखना है लोथल भोगवा नदी के तट पर स्थित है। और तीसरा यहाँ पर आप देख रहे हैं कि रंगपुर है, और यहाँ पर ये रंगनाथ राव के द्वारा इसकी खोज की गई, कठियावाड़ गुजरात में स्थित है, और ये मादर नदी का नाम है, मादर नदी के किनारे पर स्थित है। तो ये तीनों स्थल धौलावीरा, लोथल और ये रंगपुर, ये तीनों गुजरात में स्थित हैं, और यहाँ पर ये तीनों मैंने छह स्थल आपको बताए ये पाकिस्तान में स्थित हैं। अब यहाँ पर उत्तर भारत में जितने भी स्थल स्थित हैं, अब हम इनके बारे में एक एक करके देखते हैं। तो पहले यहाँ पर रोपण है, ये सतलुज नदी के किनारे स्थित है, रोपड़ जिला है पंजाब का, पंजाब में है, और यहाँ के जो इनके खोजकर्ता थे वो थे यज्ञ दत्त शर्मा के द्वारा इसे खोजा गया था। नेक्स्ट है बनावली, ये रविंद्र सिंह विष्ट के द्वारा खोजा गया, हिसार जिला हरियाणा में स्थित है, और ये जो नदी का नाम है वो है रंगोही नदी। तो ये सभी स्थल, ये सभी बातें आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है यहाँ पर कालीबंगा, और ये स्थित है कहाँ पर, हनुमानगढ़ राजस्थान में, और ये घग्गर नदी के किनारे स्थित है, बी वी लाल एवं वी के थापर के द्वारा इसकी खोज की गई थी। नेक्स्ट यहाँ पर आलमगीरपुर है, और ये उत्तर प्रदेश मेरठ यूपी में स्थित है, हिंडन नदी के किनारे है, यज्ञ दत्त शर्मा के द्वारा इसे खोजा गया था। तो ये उत्तर भारत के सभी स्थल हो गए, और यहाँ पर ये तीन गुजरात के हैं और ये तीन पाकिस्तान के हैं। तो ये सभी स्थल जितने भी मैंने यहाँ पर लिखे हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको इन सभी स्थलों को ध्यान से याद रखा है। और यहाँ पर राखी गढ़ी भी स्थित है, गवेरी वाला भी, ये हम आगे देखने वाले हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आप इसे याद कैसे रखेंगे, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो, ये तीनों पाकिस्तान में स्थित हैं, धौलावीरा, लोथल, रंगपुर, ये गुजरात में स्थित हैं, और यहाँ पर ये सभी उत्तर भारत में पड़ते हैं। आप इन सभी स्थलों को याद रखिएगा। इसके बाद में यहाँ पर मैं इसका विस्तार बता रही हूँ, जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसका उत्तर पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में विस्तार देखने वाले हैं हम। तो उत्तर में यह मांदा स्थित है, इसका क्षेत्र उत्तर में मांदा है, जम्मू कश्मीर चिनाब नदी पड़ता है उत्तर में, और सुत कंगे दौर
ये बलूचिस्तान दांस्क नदी है और ये इसका पश्चिम का क्षेत्र है, पश्चिम में है, और यहाँ पर पूर्व की तरफ आलमगीरपुर है, मेरठ, उत्तर प्रदेश, हिंडन नदी, तो ये उसके पूर्वी पश्चिमी, और यहाँ पर उत्तर दक्षिणी जो भी क्षेत्र हैं, छोर हैं, वो देख रहे हैं यहाँ पर। और जो नीचे पड़ता है दैमाबाद, दक्षिण में है, दक्षिण का सबसे किनारा है अहमदनगर, महाराष्ट्र, गोदावरी। तो ये सभी स्थल आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि इसका उत्तर में उत्तरी छोर पर कौन स्थित है। तो सभी स्थल ध्यान रखने हैं, मांडा उत्तर में है, पश्चिम में सुतकांगे दूर है, और यहाँ पर दक्षिण में दैमाबाद है जो महाराष्ट्र में स्थित है, और आलमगीरपुर ये यूपी में स्थित है और यह इसका पूर्वी छोर है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो विस्तार है वो यहाँ पर पाकिस्तान से लेके ये इतना क्षेत्र कवर करता है, सिंधु घाटी सभ्यता, तो आप ये देख सकते हैं। नेक्स्ट अब हम इसके बारे में एक एक करके अब हम इसकी विशेषताएं देखने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको जाननी है कि यह नगरीय सभ्यता थी, मैंने पहले ऊपर आपको बताया है। तो इसके जो छह बड़े नगर हैं वो कौन कौन से हैं, तो पहला यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने कलर किया है मोहन जोदड़ो है, दूसरा हड़प्पा है, और यहाँ पे तीसरा है गवेरी वाला या गढ़वारी वाला, यहाँ पर राखी गढ़ी, काली बंगा और धौलावीरा। ये छह जो बड़े शहर हैं, शहर तो कई हैं लेकिन ये जो छह शहर हैं ये बड़े शहर हैं, तो आपको ध्यान रखना है नगरीय सभ्यता थी और ये शहर ध्यान रखने हैं, मोहन जोदड़ो, हड़प्पा, गढ़वारी वाला, धौलावीरा, राखी गढ़ी और काली बंगा। नेक्स्ट इसकी लिपि क्या थी, तो यहाँ की लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। जो लिपि लिखी जाती थी वो दाएं तरफ से दाहिना इधर होता है, तो दाहिने से बाएं, और यहाँ पर फिर बाएं से दाएं। अब यहाँ पर ऐसे देख सकते हैं ये पहले दाएं से बाएं लिखी जाती थी, उसके बाद में बाएं से दाएं, इस प्रकार से ये लिखी जाती थी, और ये भाव चित्रात्मक होती थी यानी कि चित्रों के माध्यम से बताया जाता था। तो यहाँ पर ये लिपि मैंने बस दिखाया है आपको, आप ये लिपि देख सकते हैं, और ये कुछ मोहरों पर भी इस प्रकार की लिपि बनाई गई है, और ये एक यहाँ पर इस प्रकार की लिपि है जिसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। नेक्स्ट अब हम नगरीय विशेषताएं देख लेते हैं, क्योंकि ये नगर थे तो किस प्रकार के थे। तो यहाँ पर ग्रीड पद्धति पर निर्भर शहर थे। ग्रीड पद्धति का मतलब क्या होता है कि प्रत्येक शहर की जो सड़कें होती थी वो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। आप यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं कुछ इस प्रकार की सड़कें होती थी। आप देख रहे हैं यहाँ पर ये सभी समकोण पे एक बहुत अच्छे व्यवस्थित रूप से बनाए गए हैं, जो भारत में अभी भी बहुत सारे स्थलों पर इस प्रकार की सड़कें नहीं पाई जाती हैं, तो आप ये देख लिए। नेक्स्ट क्या इसकी विशेषता है, सुव्यवस्थित जल निकासी की व्यवस्था थी। यहाँ पर जल निकासी काफी अच्छी बनाई गई थी। आप यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं ये मैप है ये इसका, चलिए मैं आपको चित्र बाद में दिखाऊंगी, पहले हम एक एक पॉइंट सभी देख लेते हैं। और यहाँ पर पकी और अलंकृत ईंट, कालीबंगा में पकी और अलंकृत ईंट का प्रयोग किया गया था। सड़कों के जो दरवाजे थे और खिड़कियां थे वो सड़क की ओर न खुल के पीछे की ओर खुलते थे, केवल लोथल में नगर के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की तरफ खुलते थे। तो आप यहाँ पर ये देखिए इस चित्र में, यहाँ पर जो सड़कों के दरवाजे होते थे वो मेन रोड की तरफ नहीं खुलते थे बल्कि पीछे की तरफ खुलते थे, और यहाँ पे जो नालियों की व्यवस्था थी वो काफी अच्छी तरीके से बनाई गई थी। नेक्स्ट यहाँ पे उच्च शहर और निम्न शहर में इसका वर्गीकृत किया गया था, तो आप इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। यहाँ पे ये दुर्ग है, ये ऊंचे स्थान पे बनाया जाता था, और ये निचला शहर होता था जो नीचे बनाया जाता था। उच्च स्थान पर यहाँ पर दिया गया है, उच्च स्थान पर उच्च भाग किलाबंद होता था। अपवाद है कालीबंगा में दोनों भागों में किलेबंदी की गई थी। किलेबंदी का क्या मतलब हुआ कि इसके चारों तरफ दीवारें बना दी जाती थी। ये जो उच्च भाग है यहाँ पर जो दुर्ग कहा जाता था उच्च भाग को, निचले भाग को निचला शहर, तो इसके चारों तरफ दीवारें बना के इसका दुर्ग कर दिया जाता था, दुर्ग बनाया जाता था इसपे। और कालीबंगा में अपवाद है जिसमें दोनों भागों में की किलेबंदी की जाती थी, यानी कि यहाँ पर निचला भाग और ऊपरी भाग दोनों की किलेबंदी की गई है कालीबंगा में। नेक्स्ट है यहाँ पर मोहनजोदड़ो से प्राप्त वृहद स्नानागार, एक प्रमुख स्मारक है जिसके मध्य स्थित स्नान कुंड यहाँ पर इतने इतने मीटर लंबा चौड़ा है, तो ये नहीं पूछेगा, आप देख लीजिए इसी हिसाब से। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये चित्र है, और यहाँ पर ये दुर्ग है, ये दुर्ग का स्थल बड़ा दिखाया है इसमें। आप इसमें देख सकते हैं किस प्रकार से ये सड़कें हैं, ये मुख्य सड़क है, यहाँ पर लिखा है ये मुख्य सड़क है, जो घर के दरवाजे होते थे वो मुख्य सड़क के ना होके पीछे की तरफ खुलते थे, और यहाँ पर ये ग्रिड व्यवस्था थी, समकोण पर सड़कें एक दूसरे को काटती थी, और यहाँ पर ये माल गोदाम है। तो ये चीजें आप यहाँ पे डिटेल से भी देख सकते हैं,
इस प्रकार से कुछ। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये चित्र में। नेक्स्ट, इस प्रकार से सड़कें होती थी और यहाँ पर ये बहुत अच्छी ईंटों की अलंकृत व्यवस्थाएं की जाती थी। ईंटें अलंकृत होती थी। यहाँ पे महान स्नानागार है, आप ये देख सकते हैं, ईंटों से बनाया गया है। और यहाँ की जो नालियाँ थी, ये नाली कुछ इस प्रकार की होती थी, काफी व्यवस्थित नाली। और यहाँ पर ये कुआं है मोहनजोदड़ो का, और यहाँ पर ये नाली है, आप देख सकते हैं किस प्रकार से नालियाँ ढकी होती थी। और यहाँ पर भी देख सकते हैं नालियाँ ढकी गई हैं। भारत के गाँव में आज भी ऐसी व्यवस्था नहीं होती है। तो ये घर की प्रणाली है, घर इस प्रकार से बनाया जाता था यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं ये सीढ़ियाँ बनी हुई हैं यहाँ पर, यहाँ पर किसी कोने पे कुआं भी होता था। तो इस प्रकार से घर एक व्यवस्थित रूप में सिंधु घाटी सभ्यता में बनाए जाते थे। और यहाँ की कृषि और पशुपालन के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पे जुटे हुए खेत पाए गए हैं कालीबंगा में, विशाल अन्नागार पाया गया है मोहनजोदड़ो में। ये सभी पॉइंट जो मैं बता रही हूँ, ये सभी एग्जाम से संबंधित है। एग्जाम में एग्जैक्ट ऐसे ही पूछ लिया जाएगा, तो आप सभी पॉइंट ध्यान से पढ़नी है और याद भी करनी है। और यहाँ की जो प्रमुख फसल थी हड़प्पा सभ्यता की, वो गेहूं और जौ थी। चावल जो मिला है वो लोथल और रंगपुर से प्राप्त हुआ है। और पशुपालन में बैल और भैंस पाले जाते थे। घोड़े के अस्थि पंजर पाए गए हैं सुरपोतला, कालीबंगा और लोथल से। यहाँ पे ध्यान रखना है कि घोड़े के सिर्फ अस्थि पंजर ही पाए गए। और यहाँ पर ये कुछ बच्चों के जैसा हल का ये चित्र मिला है, आप ये देख सकते हैं, इस प्रकार का हल भी पाया गया है। तो जुते हुए खेत पाए गए हैं कालीबंगा में, विशाल अन्नागार। यहाँ पर ये जो भी चीजें पाई गई हैं इसी के आधार पे ही, क्योंकि जो खुदाई से प्राप्त सामान हुए हैं सिंधु घाटी सभ्यता में, उसी के आधार पे अंदाजा लगाया गया है कि ये लोग क्या क्या खाते थे, क्या पीते थे, क्या पालते थे। क्योंकि जो लेखन कला है वो अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। तो ये सभी बातें ध्यान रखनी है। धार्मिक विशेषताएं क्या थी यहाँ की, तो इसका अभी स्पष्ट जानकारी नहीं मिली है हमें, क्योंकि जो लेखन कला है उसे नहीं पढ़ा जा सका है। तो धार्मिक विशेषताओं के बारे में हम नहीं जान सकते हैं, लेकिन जो अवशेष मिले हैं उनके आधार पे हम क्या क्या जान सकते हैं, तो आप वो देख लीजिए। मंदिर के अवशेष नहीं प्राप्त हुए हैं। मातृ देवी की पूजा की जाती थी, यानी कि मातृ देवी की काफी मूर्तियां मिली हैं, इस प्रकार आप ये देख सकते हैं। तो इस आधार पे कहा जाता है कि मातृ सत्तात्मक समाज था, यानी माता के ऊपर ज्यादा केंद्रित था। वृक्ष की पूजा की जाती थी और शिव पूजा के भी साक्ष मिले हैं। ऊबड़ ऊबड़ वाला सांड मिला है, दाढ़ी वाला पुजारी मोहनजोदड़ो से मिला है। आप ये पुजारी को देख सकते हैं, इसके आधार पे ही ये सभी अंदाजे लगाए गए हैं। पशुपति नाथ की मुहर मिली है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता और भैंस है। यहाँ पे पशुपति नाथ की जो मुहर है उनके चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता और भैंस मिले हैं। आप यहाँ पे चित्र में देख सकते हैं, यही ये मूर्ति है। और यहाँ पे ये हाथी है, ये गैंडा है, ये चीते, इस प्रकार के ये चीता है। तो आप ये सभी चित्र में देख सकते हैं और इन्हें पशुपति नाथ ही बोला गया है। अग्निकुंड मिला है कालीबंगा से। सूर्य उपासना स्वास्तिक चिन्ह प्राप्त हुआ है सूर्य उपासना के लिए। सवाधान की भी कुछ प्रक्रियाएं होती थी, तो यहाँ पर सबों को जलाना मोहनजोदड़ो में जो था वो वहां पे सबों को जलाया जाता था। सबों को दफनाया कहाँ जाता था, तो हड़प्पा में सबों को दफनाया जाता था। ये चित्र में एक हड़प्पाई समाधान के मैं आपको दिखाया, कुछ इस प्रकार से दफनाया जाता था। और इनके साथ में ये कुछ बर्तन आदि भी रखा जाता था, ताकि वो परलोक में जाके कुछ ऐसी चीजों का शायद यूज करते हो, ऐसा सोचते होंगे। युग्मी समाधि, यानी दो लोगों की साथ में भी समाधि पाई गई है, कहाँ से, लोथल और कालीबंगा से। तो ये सभी बातें जो भी बताई मैंने आपको, आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट, यातायात के बारे में जान लेते हैं। तो लोथल और सुरपोटदा गुजरात से बंदरगाह मिले हैं, और यहाँ पे कुछ भैंस गाड़ी और बैल गाड़ी के भी प्रमाण मिलते हैं। तो ये पकी हुई खिलौना गाड़ी है, कुछ इस आधार पे अगर ये बच्चों के खिलौने बनाते थे तो ये इसे यूज भी करते होंगे। और यहाँ पर ये आप इस मुहर में देख सकते हैं, यहाँ से ये कुछ नाव जैसा आकार है। तो इस प्रकार से कहा जा सकता है कि ये बंदरगाह थे। और यहाँ पे लोथल का बंदरगाह चित्र में मैंने आपको दिखाया है। तो इन सभी चित्रों के आधार पे ये सभी अनुमान लगाया गया है। जीवन शैली कैसी थी उनकी, तो मनके का कारखाना मिला है लोथल और चनहुंदड़ो से, यानी कि लोग मनके वगैरह यूज करते थे। सूती और ऊनी वस्त्र का यूज करते थे। पासा शिकार जैसे मनोरंजन का कार्य करते थे। डिजाइन वाले काले रंग के बर्तन प्राप्त हुए हैं मिठास के लिए। ये लोग शहद का प्रयोग करते थे और तलवार के कोई साक्षी नहीं प्राप्त हुए हैं। इस आधार पे कहा जा सकता है कि शांति रहती होगी, क्योंकि युद्ध वगैरह नहीं होते थे, तो शांति व्यवस्था थी वहां पर। और
और यहाँ पे आप कुछ बर्तन दे सकते हैं, ये तांबे और कांसे के कुछ बर्तन हैं, कुछ इस प्रकार के बर्तन पाए गए हैं, और ये मिट्टी से बनी हुई है, कुछ मृद भांड है, ये आप देख सकते हैं, इस प्रकार से सजावटी बर्तन पाए गए हैं। और ओमान से मिला है हड़प्पाई मृदभांड, ओमान शहर है यहाँ पर, इस प्रकार का एक बर्तन ओमान से मिला है जो सिंधु सभ्यता से संबंधित है, और ये मनके बाट और फलक है, ये मनके हैं, यहाँ पे मनक देख सकते हैं, ये बाट है, ये तीन बाट कुछ इस प्रकार से तोड़ने के काम में आते थे, और यहाँ पर ये फलक पाए गए हैं, और ये सभी भी मनके और बाट है। तो चित्र के आधार पे ही सभी अनुमान लगाए गए, तो आप भी चित्र देख लीजिए। और यहाँ पे व्यापार की क्या व्यवस्था थी, तो व्यापार में कहाँ कहाँ से क्या क्या आता था, अब हम वो देख लेते हैं। तो जो प्रमुख धातु और प्राप्ति स्थल कौन कौन से हैं, तो जो कच्चा माल था वो कहाँ से प्राप्त होता था, तो वो तांबा खेतड़ी राजस्थान व बलूचिस्तान से आता था, लाजवर्द बदख्शा अफगानिस्तान से, फिरोजा और टिन ईरान से मंगाया जाता था, चांदी राजस्थान के जावर एवं अजमेर खानों से, अफगानिस्तान एवं ईरान से आती थी, सीसा अफगानिस्तान और अजमेर से आता था, शिलाजीत हिमालय से और गोमेद गुजरात से आता था। ये सभी पॉइंट आप ध्यान रख लीजिएगा, एक बार पढ़ लीजिएगा। तांबा वो खेतरी राजस्थान और बलूचिस्तान से जो भारत के हैं वो तो ध्यान ही रखने हैं, और चांदी आती थी राजस्थान के जावर एवं अजमेर खानों से और अफगानिस्तान एवं ईरान से। और यहाँ पर जो टिन मंगाया जाता था, टिन वो ईरान से, ये सभी बातें ध्यान रखनी है। और यहाँ पे कुछ इस प्रकार की मुहरें मिली हैं, इसके आधार पे अनुमान लगाया जाता है कि व्यापार होता था वहां पे। यहाँ पे नाव के चित्र पे कुछ इस प्रकार की मुहरें हैं, आप ये मुहर देख लीजिए, यहाँ पे ये मेसोपोटामिया में ये मिली है, और ये सिंधु क्षेत्र की है, और यहाँ पर ये हड़प्पाई एक मुहर पाई गई है। मुद्रा मुहर, मुद्रांकन या मुहर बंदी क्या होती थी, तो जो कुछ सामान होता था उसमें सील के लिए इसे यूज किया जाता था, आप ये चित्र में देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार से किसी जब सामान को पैक किया जाता था उसकी जो गांठ होती थी उसमें कुछ इस प्रकार की मिट्टी वगैरह लगा के कुछ इस प्रकार की मुहर लगा दी जाती थी, अगर ये टूट जाता था तो माना जाता था कि जो पैक्ड सामान है वो खोला जा चुका है, तो इसलिए ये मुद्रांकन या मुहरबंदी होती थी। नेक्स्ट यहाँ पे शासन व्यवस्था कैसी थी, शासन कौन करता था, तो संभवतः इसके कुछ साक्ष्य तो प्राप्त नहीं हुए हैं, क्योंकि व्यापार व्यवस्था अच्छी थी और व्यापार वणिक वर्ग करते थे, तो अनुमान लगाया जाता है कि संभवतः इन्हीं लोगों का शासन था वहां पर, यही लोग शासन करते थे। अब हम सभी स्थान और उसके जो साक्ष्य जो भी मिले हैं सामान, उन्हें एक स्थान पे एक एक जगह से देख लेते हैं। तो हड़प्पा से हमें क्या मिला है, तो एक श्रृंगी पशु वाली मुहर मिली है हड़प्पा से, और हड़प्पा से ही मातृ देवी की प्रतिमा प्राप्त हुई है। मोहन जोदड़ो जिसे मृतकों का टीला कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से कुछ लोगों की मतलब कटी फटी बॉडी मिली है, यानी किसी का हाथ मिला है, किसी का पैर, किसी का सर, कुछ इस प्रकार के साक्ष्य मिले हैं, तो इस आधार पे इसे मृतकों का टीला कहते हैं। और मोहन जोदड़ो से क्या क्या प्राप्त हुआ है, सबसे बड़ा अन्नागार मोहन जोदड़ो से मिला है, स्नानागार पशुपतनाथ की मुहर नर्तकी की मूर्ति मूर्ति है जो कांसे की बनी है, और शव को जलाने के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुई है, दाढ़ी वाली पुजारी की मूर्ति भी मोहन जोदड़ो से ही मिली है, कालीबंगा राजस्थान से, अग्निकुंड चूड़ी का कारखाना मिला है, यानी लोग चूड़ियों का भी प्रयोग करते थे, युग्म समाधि मिली है, दो लोगों को इकट्ठा दफनाया जाता था, जूता हुआ खेत मिला है, अलंकृत ईट यानी कुछ सजावटी प्रकार की ईटें भी मिली हैं, सुरकोटदा यानी गुजरात से घोड़े के अवशेष मिले हैं, ये सभी बातें ध्यान रखनी है, गुजरात लोथल से, बंदरगाह सिंधु घाटी का मैनचेस्टर कहा गया है इसे, बंदरगाह मिला है लोथल से, धान और घोड़े के साक्ष मिले हैं, अग्निकुंड मिला है, युग्म समाधि मनके बनाने का कारखाना भी लोथल से प्राप्त हुआ है, और धौलावीरा गुजरात से, बांध और जलाशय स्टेडियम ध्यान रखना है, जो भी राज्य जो भी स्थल समुद्र के किनारे है वहीं पे बंदरगाह होगा, तो ये बातें हम ध्यान रखिएगा। इसके अलावा हम यहाँ पर एक साथ में कौन कौन से स्थल किस नदी के किनारे स्थित हैं वो देख लेते हैं। यहाँ पे प्रमुख स्थल हड़प्पा है वो रावी नदी के किनारे स्थित है, मोहनजोदड़ो सिंध कालीबंगा खखर नदी के किनारे, लोथल भोगवा और रोपण सतलज नदी के किनारे, मांडा जम्मू कश्मीर में है, और ये चेनाब नदी के किनारे स्थित है, दैमाबाद प्रवरा नदी के किनारे है, आलमगीर बुरहिंडा नदी के किनारे, सुतका गेंडूर यह दास्त और यह दास्त नदी के किनारे है, और भगवानपुरा सरस्वती नदी के किनारे है। तो ये जो किनारे कौन कौन से किस नदी के किनारे स्थित हैं ये सभी आपको ध्यान रखने हैं, प्रमुख स्थल हैं ये सभी। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ इतिहासकारों का मत है कि सिंधु सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के विनाश का कारण क्या हुआ,
हमने विशेषताएं जान ली, किस प्रकार से उत्पत्त हुई, खुदाई हुई सभी बातें जान ली। इसके बाद में ये किस प्रकार से इसका विनाश हुआ वो भी जान लेते हैं। तो इसका कोई स्पष्ट कारण नहीं मिला है अभी तक, ये ध्यान रखना है। कुछ विद्वान इतिहासकार ने कुछ बातें कही हैं, वो जान लीजिए। हो सकता है कि बहुत ज्यादा बाढ़ आ गई हो किसी कारणवश, और ये किसने कहा है, मार्शल मे के SR राव ने, जिसके कारण यह सभ्यता नष्ट हो गई होगी। आर्यों का आक्रमण हुआ होगा, क्योंकि मैंने पीछे बताया था मोहन जोदड़ो से कुछ हाथ और कुछ सर वगैरह के टुकड़े मिले हैं अलग अलग सभी। तो इस आधार पर कहा जाता है कि आर्यों का आक्रमण हुआ होगा, जिसके साथ में उनका झगड़ा या युद्ध हुआ होगा, और इस आधार पर कहा जाता है कि यह सभ्यता समाप्त हो गई होगी। और ये किसने कहा है, गार्डन चाइल्ड, माइटियल व्हीलर और स्टुअर्ट पिकर्ट ने। जलवायु परिवर्तन के कारण भी सभ्यता नष्ट हो सकती है, ये इनका मत है। आर्यनस्टाइन, अम्लानंद घोष का, भूतात्विक परिवर्तन कुछ हुए होंगे, इन लोगों के मत है। महामारी आ सकती है कोई कोरोना जैसी, उसके आधार पे पूरी सभ्यता नष्ट हो सकती है, या कुछ ईश्वरीय कोई प्रॉब्लम हुई होगी जिसके कारण ये सभ्यता नष्ट हो गई है। तो आपको ये सभी बातें ध्यान रखनी है कि इतनी बड़ी सभ्यता इतने बड़े क्षेत्र में स्थित है, और एक साथ में ये सभी सभ्यता किस प्रकार समाप्त हो गई, इसका ये सभी कारण हो सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ स्थल दिए गए हैं, आप ये देख लीजिए। आपने ये तो देखा ही था, ये मुहर बंदी भी मैंने बता दिया था। फेयंस क्या होता है ये भी जान लीजिए। ये फेयंस से बर्तन बनाए जाते थे, ये होता क्या था, तो ये कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता था, और ये बालू स्फटिक पत्थरों के चूर को गोल में मिला के उससे वस्तुएं बनाई जाती। तो ध्यान रखना, ये कृत्रिम रूप से बनाया जाता था, और उसके बाद उन पर वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। इस चिकनी परत के रंग पर प्रायः नीले एवं हल्के समुद्री हरे होते थे, और इससे क्या बनाया जाता था, फेयंस से मन के चूड़ियाँ और छोटे बर्तन वगैरह कुछ इस प्रकार की चीजें बनाई जाती थी। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ अन्य वस्तुएं भी हैं, कुछ इस प्रकार की अवतल चक्की मिली है जो आप देख रहे हैं। शायद वो लोग इस पे कुछ पिसाई वगैरह करते होंगे, सिल बट्टी के जैसा है। ये तांबे का एक दर्पण प्राप्त हुआ है। फायंस आप देख ही चुके हैं, ये मुहर है, और ये भी चीज आप देख सकते हैं। और ये कुछ धातु के औजार प्राप्त हुए हैं, तो इस प्रकार के कुछ औजार खुदाई वगैरह में काम आते होंगे। और ये जलाशय है जो थौलावीरा में मिला है, तो ये सभी चीजें आप देख लीजिए यहाँ पर। नेक्स्ट इस वीडियो में बस इतना ही, हमने हड़प्पा सभ्यता के बारे में विस्तार से जाना। वीडियो कैसी लगी आपको जरूर बताइएगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं वैदिक सभ्यता के बारे में, हम डिटेल में जानेंगे। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो में बस इतना ही।